Clash of Clans. हाँ भैया, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर विमल इलायची, बोलो जुबान केसरी। तो गाइस वापिस आ चुके हैं हम लोग हमारे टाउन हॉल 13 पे। एक्चुअली आज हम लोग कोई वॉर अटैक नहीं करने वाले। पता है मुझे यार, पिछले जितने भी वीडियोस है, लगभग हम लोग पिछले 6-7 वीडियो से लाइव वॉर अटैक्स ही कर रहे हैं। तो गाइज आज हम लोग क्या करने वाले, अटैक्स ही करेंगे, लेकिन वो करने वाले हम लोग लेजेंड लीग में। फिलहाल हम लोग है लेजेंड लीग में, हमारी ट्रॉफी से 5285, एंड आज हम लोग लेजेंड लीग के हमारे अटैक्स करने वाले हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी कौन सी है, कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं? पहले मैं यूज़ करता था, जब हमारे पास सुपर वॉल ब्रेकर नहीं होता तब हम लोग यूज़ करते हैं येटी या फिर ड्रैग बैट। जब सुपर वॉल ब्रेकर होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। हाइब्रिड पता नहीं कितनी पावरफुल है। एंड 871,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बस 29,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए 900,000 होने के लिए। 29,000, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको जल्दी से जाके दबाओ ताकि जल्द से जल्द हमारे हो पाए 9,00,000 सब्सक्राइबर्स। एंड वैसे भी यार 50% व्यूवर्स बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो अगर आप लोग भी सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे हमारे। चलो गाइस चलते हैं अटैक के लिए, देखते हैं कौन सा बेस मिलता है हम लोगों को। अरे बाप रे बाप, ये कौन सा बेस है? कॉर्नर टाउन हॉल, एंड इस बेस के ऊपर आज हम लोग करना पड़ेगा अटैक। थोड़ा डिफरेंट सा है, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग में एक काम करेंगे, टाउन हॉल की साइड से हम लोग अटैक स्टार्ट करने वाले हमारा। ओके, पहले एक बार बेस अच्छे से देखने दो, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे हम लोग डालने वाले हमारी आर्चर क्वीन। एक काम करेंगे, स्टार्टिंग में पॉइजन स्पेल डालेंगे, एंड अभी आर्चर क्वीन पीछे से आएंगे हमारे सारे के सारे हीलर्स एक बलून डाल के। ओ हेड हंटर से, तो एक रेस्पेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलो सही है, ओके। वहाँ पे बलून ने हमारा सीकिंग एयरमाइन को ट्रिगर कर लिया, और सीसे में उतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तो आर्चर क्वीन को उतना ज़्यादा हार्म भी नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, एक और बलून आएगा यहाँ पे। ओके, लेट्स होप कि हमारी क्वीन जल्द से जल्द टाउन हॉल को डाउन करे। ओके, टाउन हॉल पे आ चुकी है, शायद यहाँ पे एक और रेज की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आई हमारी एक और रेज स्पेल, वेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे बलून ताकि सीकिंग एयरमैन ट्रिगर हो। यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेक कर, ओके बहुत सही। यहाँ पे एक फ्रीज आएगा एनिमी क्वीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डालेंगे हमारा बारबेरियन किंग, यहाँ पे सीज बैरक, एंड बीच में डालेंगे हम लोग सारे के सारे हमारे माइनर्स। वेट करेंगे, आज क्वीन को वैल्यू निकालने दो, बस आचक में अंदर चली जाए एक बार। ओके, तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे डालेंगे हम लोग एक सुपर वॉल ब्रेकर, एंड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सारे के सारे माइनस बुढ़ा। पीछे से आएंगे हमारे हॉग राइडर्स, देन अभी आएगा यहाँ पे एक रॉयल चैंपियन आएगी। यहाँ पे एक और फ्रिज स्पेल, ओके बहुत सही। यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी आएगी हमारी। चलो सही जा रहा है, सारे के सारे ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेटेड है। देन उसके बाद यहाँ पे एक हिल स्पेल, कोई भी फ्रीज बचा नहीं है हमारे पास, पता नहीं क्या होगा। चलो सही तो जा रहा है वैसे, एक और हील बची है हमारे पास, वो हील एक काम करेंगे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आई हमारी हिल स्पेल, क्या बात है, सारे के सारे डिफेंसेस कवर हो रहे हैं उस हिल स्पेल के अंदर। यहाँ पे पीछे से रॉयल चैंपियन हमारी काम कर रही है, रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी बची है, क्वीन के पास एबिलिटी बची है, क्लीनर ट्रूप्स भी हमारे पास। चलो सही तो जा रहा है यार हमारा अटैक। यहाँ पे दो आर्चर्स आएंगे, यहाँ पे डालेंगे एक मिनियन, देन उसके बाद वेट करेंगे थोड़ा, एक विजर्ड है वो विजर्ड डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। चलो सही जा रहा है, बहुत सही। चलो टाइम भी बहुत है, तो लग तो रहा है कि 3-star ही है, ऑफकोर्स 3-star है, टाइम बहुत ज़्यादा है, क्वीन के पास एबिलिटी है, आरसी की एबिलिटी बची है, बहुत सारे माइनस है, क्लीन अप ट्रूप्स है। तो ये हो चुका है गाइस हमारा 3-star अटैक। क्या बात है गाइस, हम लोगों ने कर दिया इस बेस के ऊपर 3-star, पहला अटैक था ये आज का हमारा। अभी एक और अटैक करने के लिए चलने वाले हैं। तो ये था हाइब्रिड के साथ हमारा 3-star अटैक, क्या बात है गाइस, मजा आ गया। सीसी में हम लोगों ने येटी और वैल्करीज को यूज किया था, तो अभी एक और अटैक करने के लिए चलने वाले हैं। देखते भाई साहब कौन सा बेस मिलता है इस बार। ओ भाई साहब, ये क्या नौटंकी है, ये अलग ही बेस है। एक काम करेंगे हम लोग इस बेस के ऊपर, हम लोग पीछे से अटैक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक जो सिंगल इन्फ्रोन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वीन को इन्फ्रोन टावर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर क्वीन यहाँ पे भटक गई तो भाई साहब फेल होने के चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हम लोग एक काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लोग डालेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग डालेंगे हमारी क्वीन को यहाँ पे, पीछे से एक बलून, पीछे से आएंगे सारे के सारे हीलर्स। यहाँ पे एक बलून और एक बेबी ड्रैगन फनलिंग के लिए,
यहाँ पे एक बलून और एक विजर्ड फनल निकली है, सुपर वॉल ब्रेकर आएगा, लेट्स होप हमारी क्वीन अंदर चली जाए। बाहर चली गई हमारी क्वीन, लग गए भाई पूरे अटैक के लग चुके। क्वीन अंदर जाती तो मजा आता, लेट्स होप यहाँ से नहीं जाएगी, अभी अंदर जाएगी नहीं, बाहर इतने सारे डिफेंसेस हैं, कैसे कैसे जाएगी क्वीन अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रेज और यहाँ पे एक फ्रीज डाल देते हैं। रेज की जरूरत नहीं थी शायद, पता नहीं क्यों हम लोगों ने खामखा रेज स्पेल यहाँ पे वेस्ट कर लिया। ओके चलो ठीक है, सही है, मतलब यहाँ पे शायद जरूरत पड़ सकती है एक और रेज की। ओके चलो बहुत सही जा रहा है उस हिसाब से अटैक, यार स्टिल ये इन्फिनो टावर पीछे पड़ा है। ओके सीसी बाहर आ चुकी है, एक काम करेंगे हम लोग डालेंगे यहाँ पे पॉइजन स्पेल सीसी के ऊपर। चलो अरे यार हमारे हिलर्स मरने वाले बहुत ही जल्दी, तो एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे एक और रेज स्पेल, हिलर्स मरना स्टार्ट हो चुके हैं। एक काम करते हैं बार्बेरियन किंग को यहाँ पे डिप्लॉय करके, सीज बैरक डिप्लॉय करके हाइब्रिड स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टाउनल के ऊपर। वेट कर लेते हैं आचे क्वीन के साथ वैल्यू निकालने दो। ओके एबिलिटी यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे डालेंगे हम लोग हमारा बार्बेरियन किंग, यहाँ पे सीज बैरक, बार्बेरियन किंग डाल दिया, सीज बैरक डाल दिया। एक काम करेंगे बीच में घुसाएंगे हम लोग डायरेक्ट, हमारा हाइब्रिड डायरेक्ट टाउनल के ऊपर जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हाइब्रिड, पीछे से वार्डन, पीछे से वेट करेंगे हॉक्स के लिए। यहाँ पे अभी हॉक्स, यहाँ पे रॉयल चैंपियन, यहाँ पे आएगी हमारी फर्स्ट हील स्पेल। ओके वार्डन की एबिलिटी देंगे जब टाउनल एक्टिवेट होगा तब। ओके कम ऑन एक्टिवेट हो जा हो जा हो जा, 1 2 3 गो, ये आ गई वार्डन की एबिलिटी। यहाँ पे स्टिल हॉक्स एंड माइनस बचे, तो जो हमारी आखिरी हील स्पेल है वो हम लोग यहाँ पे बीच में डालने वाले कोर में। तो आखिरी हिल स्पेल आएगी हमारी कहाँ डालू, ओके यहाँ पे, चलो सही है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची है, लेट्स होप कि हमारे रॉयल चैंपियन काम कर दे, सिंगल इन्फर्नो लॉक ना हो बस रॉयल चैंपियन के ऊपर, टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। एंड जो हम लोगों ने यटीज लिए थे सीसी में उनका कुछ खासा फायदा हुआ नहीं है। चलो रॉयल चैंपियन मस्त काम कर रही है यार, सच में यार स्टार्टिंग में क्वीन को जाना चाहिए था उस कंपार्टमेंट में, हम लोगों ने फनल के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया उतना, तो हमारी क्वीन भटक गई, अगर अंदर जाती क्वीन तो मज़ा आ जाता भाई। चलो रॉयल चैंपियन के पास अभी भी एबिलिटी बची है तो हम लोग कुछ तो होप कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ही कम है, 79% 80% आ चुका है। आरसी की एबिलिटी देंगे हम लोग यहाँ से। ओके लेट्स होप कि आरसी निकाल ले सिंगल इन्फिर्नो, एक और हिट, सही है चलो। ओके ये भी आ गया 87, चलो ये आर्चर टावर भी आ गया। ओ भाई साहब ये ट्रिपल था यार, ये इजी थ्री स्टार अटैक था, लेकिन लेकिन टाइम फेल, अरे रे 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 रे, टाइम फेल हो गया गाइस हमारा, 92% प्लस 30 ट्रॉफीज मिली हम लोग को। मैक्सिमम हमारे अटैक टाइम की वजह से ही फेल हो जाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है, कभी 10 सेकेंड, कभी 5 सेकेंड, कभी 20 सेकेंड, कभी 30 सेकेंड, क्लीन अप बच जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोगों ने इस बेस के ऊपर भी थ्री स्टार अटैक किया था हाइब्रिड के साथ ही, एक बार चेकआउट कर लेते हैं इस बेस के ऊपर हम लोगों ने कैसे अटैक किया था। तो इस बेस के ऊपर हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वीन के साथ अटैक किया था एकदम ऊपर से टाउन हॉल की साइड से, तो हमारी पूरी यहाँ पे कोशिश ये थी कि टाउन हॉल हम लोग क्वीन के साथ ले पाए एंड जो पूरा बेस है हम लोग पीछे से हाइब्रिड के साथ निकाल पाए। तो क्वीन के साथ बेसिकली हम लोगों को दो कंपार्टमेंट्स यहाँ पे डाउन करने थे, तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ क्वीन डाली, बलून डाला, देन पीछे से डाल दिए मैंने हिलर्स, देन उसके बाद यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर डाल दिया मैंने, ओके अभी तक डाला नहीं है, एक बलून भी डाल दिया था जिससे कि ट्रिगर हो गए, यहाँ पे डाल दिया था मैंने डायरेक्ट एक सुपर वॉल ब्रेकर जिससे कि हमारी आर्चर क्वीन डायरेक्ट अंदर आ गई। यहाँ पे एक रेज स्पेल भी डाल दिया था ताकि एनिमी की जो क्वीन है वो जल्द से जल्द डाउन हो पाए, यहाँ पे एक रेज स्पेल की जरूरत थी तो सॉरी फ्रीज स्पेल की जरूरत थी तो फ्रीज स्पेल मैंने वहाँ पे डाल दिया, अगर नहीं डालता तो क्वीन एबिलिटी गवा देती अपनी। तो बहुत जल्दबाजी में डाला हम लोगों ने वहाँ पे स्पेल, एंड यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर के साथ मेरे को ये वाली वॉल फोड़नी थी लेकिन वो वॉल फूटी नहीं, क्या कर सकते हैं, तो क्वीन अंदर ही रह गई। अगर ये वाली वॉल फूट जाती ये वाली तो क्वीन यहाँ से स्कैटर ले पाती। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, स्कैटर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा था क्वीन को, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक काम किया, स्कैटर के ऊपर हम लोगों ने डाल दिया बार्बेरियन किंग को, तो वहाँ से हमारा काम हो गया, स्कैटर डाउन हो गया वहाँ से, एंड हम लोगों ने एस बी डाल के फनल बना के बीच में घुसा दिया माइनर्स। अभी रुको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक बेबी ड्रैगन डाल दिया ताकि यहाँ पे फनल बन जाए और किंग डायरेक्ट अंदर घुसे, तो यहाँ से डायरेक्ट किंग अंदर घुस गया, तो क्वीन के ऊपर जो डैमेज कर रहा था स्कैटर शॉट उसको हम लोगों ने स्कैटर शॉट को हमारे बार्बेरियन किंग के साथ डाउन किया। तो ये हो गया यहाँ पे स्कैटर शॉट डाउन, देन उसके बाद हमारी क्वीन वहाँ पे कर रही थी काम अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक काम किया, यहाँ पे डाल दिया मैंने एक सीज मशीन हमारी, मतलब सीज बैरक, एंड डाल दिए मैंने पीछे से सारे के सारे हमारे
माइनर्स और हॉक्स, तो यहाँ पे माइनस डाल दिए, फनलिंग के लिए सीज बैरक डाल दी, सारे के सारे माइनस, ग्रैंड वार्डन आ गया, पीछे से आगे सारे के सारे हॉक राइडर्स, पीछे से हमारी रॉयल चैंपियन भी आ गई, एंड क्वीन के पास देखो यार आयरन ही देखो, क्वीन के पास अभी भी हमारे पास एबिलिटी बची है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाली थी शायद हील स्पेल, यस हील स्पेल आई थी हमारी यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रिज स्पेल वेस्ट कर दिया सिंगल इन्फर्नो पे, हालांकि कोई ज़रूरत तो थी नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ की थी वार्डन की एबिलिटी, सही टाइम पे यूज़ करी थी क्योंकि वहाँ पे ट्रुप्स लगभग स्प्रेड हो ही गए थे, एंड क्वीन ने मस्त काम किया कुछ भी बोल लो, यहाँ पे जो आखिरी हील स्पेल थी वो हम लोगों ने यूज़ कर ली, अरे यार यहाँ पे रॉयल चैंपियन हमारी मर गई, अगर फ्रिज स्पेल हम लोग अच्छे से यूज़ करते ना रॉयल चैंपियन मरती नहीं, लेकिन बहुत सारे हॉक्स और बहुत सारे माइनस बचे थे हमारे पास, तो आखिरी हील स्पेल हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी थी एंड स्टिल बहुत सारे माइनस और हॉक्स बचे, क्वीन के पास एबिलिटी थी वो हम लोगों ने यूज़ कर ली, तो ये इस बेस के ऊपर 3 स्टार हो गया हाइब्रिड के साथ, स्टार्टिंग में क्वीन के साथ टाउन हॉल और 2 कंपार्टमेंट्स निकाल लिए एंड तीसरे कंपार्टमेंट से हम लोगों ने फनल बना के डायरेक्ट हाइब्रिड घुसा दिया बीच में, तो ये हो गया गाइज हमारा 3 स्टार अटैक इस बेस के ऊपर, तो ये थी स्ट्रैटेजी हाइब्रिड, तो एक्चुअली मैं 3 स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ लेजेंड लीग में, एक तो हमारी हाइब्रिड हो गई, दूसरी यटी स्मैश हो गई, तीसरी ड्रैग बैट हो गई, लेकिन हालांकि चीज़ ये है ना हमारे बेस के ऊपर लगातार 3 स्टार होते ही जाते, पता नहीं क्या सीन है, कभी कभी हमारे भी अटैक्स फेल हो जाते हैं 60-70-50%, कभी कभी 1 स्टार भी आ जाता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें हाइब्रिड स्ट्रैटेजी की, इस स्ट्रैटेजी की, तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, मतलब हर अटैक 80% प्लस ला के ही देगी आप लोगों को, तो ये थे गाइस आज के हमारे कुछ लेजेंड लीग के अटैक, इसी स्ट्रैटेजी के साथ मैं अटैक करता हूँ लेजेंड लीग में, आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट अटैक स्ट्रैटेजी कौन सी है, मेरी फेवरेट है ड्रैग बैट, यटी स्मैश, मैस हॉग, हाइब्रिड, बहुत सारी है, आप लोग बताओ आपकी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो बस आज के लिए तो इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।